तो ये जो किचन कैबिनेट से ये सारे ओपन कर दिए हैं ताकि इसके अंदर थोड़ी हवा लगे और जो मॉइस्चर है वो निकले यहाँ से बाहर। ओके गाइस, तो डस्टिंग, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें हो गई है। मेरी जो हेल्पर आती है वो भी, उसने काफ़ी कुछ तो कर दिया है। अब जो बेसिक है वहाँ की जो ऊपर वाली शेल्फ है इनको उसने नहीं किया, तो ये सब मैं करूँगी। और जो शैंडल है मैंने उसको बना कर दिया था, मैंने कहा नहीं भैया ये सब मैं करने वाली हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ डस्टिंग से और उसके बाद फिर शार वार लेकर के निकल जाऊँगी हेयर कट कराने के लिए। बालकनी का तो स्टेट ही आप ये देख रहे हो, ये ग्लास भी काफ़ी गंदा हो रहा है, ये आपको अभी दिखेगा। तो ये तो तभी हो पाएगा बिकॉज यहाँ मुझे पीछे से साफ़ करना होगा। एंड यहाँ पर नीचे देखिए आप मिट्टी भी कितनी ज़्यादा हो गई है। तो ये बालकनी तो अब तभी मुझे लगता है कि मैं सॉर्ट और क्लीन कर पाऊँगी जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी वापस से। अभी तो मुझे नहीं लगता मेरे को इसको क्लीन करने का भी कोई सेंस बनता है बिकॉज़ ये देखिए बारिश या तो बहुत तेज़ हुई है कि इस पर भी जाली पर भी मिट्टी चिपक चुकी है। एंड बैल्कनी क्लीनिंग के लिए मुझे ना ये जो अर्बन क्लब वाले जो होते हैं ना उनको बुला करके क्लीन कराना पड़ेगा बिकॉज उनके पास कुछ सोल्यूशन होता है टाइल्स क्लीनिंग का भी। हमारी जो ये बैल्कनी की टाइल्स है हमने पर्पसली मैट टाइल्स लगवाई थी ताकि स्लिप होने का डर ना रहे। अब मैट टाइल्स आप लगवा तो लेते बट उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल आता है। और जब और थोड़ी सी वो वैसी है दरदरी टाइप की है, दरदरी आप समझ रहे हो, तो उसके अंदर ना कुछ कुछ अगर मिट्टी फंस जाती है तो वो निकलती नहीं है, ब्रश से घिसना पड़ता है। तो इतनी क्लीनिंग तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अर्बन क्लब वालों को बुलवाऊंगी और उनसे क्लीनिंग करवाऊंगी। तो हॉल की ऑलमोस्ट डस्टिंग हो गई है, किचन के मैंने जितने भी किचन कैबिनेट्स हैं सब कुछ ओपन कर दिया ताकि उसमें हवा लगे बिकॉज जैसे ही मैं खोल रही हूँ तो कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। तो वो तो शुक्र है विक्की आता था, विक्की अब मेरी जो हेल्पर है वो मुझे यही बोलती कि दीदी भैया बस मुझे ये बोलते थे जल्दी झाड़ू पोछा लगाओ जाओ, जल्दी झाड़ू पोछा लगाओ जाओ, क्योंकि इसको ऑफिस भगना रहता था। तो अब वही होता है अभी, इसलिए अच्छा वो मैं आ गई। तो काफ़ी क्लीनिंग व्लीनिंग कर दी है मैंने, हॉल की हो गई है। अब मैं वॉशरूम्स जो है, वॉशरूम्स बहुत गंदे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो मैंने वो जो वॉशरूम की टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं वो सब पूरा फ्लोर पे भी लगाया हुआ है। मैं दोनों टॉयलेट्स क्लीन करूँगी तो ऑब्वियसली वो तो मैं फिल्म नहीं करने वाली हूँ, उसके बाद फिर मैं शार लेने चली जाऊँगी। अभी आपने देखा होगा कि मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, अभी आई हूँ मुंबई। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पुराना ब्लॉग देखिए तो आपको कंटेक्स्ट समझ में आएगा। बेसिकली मैं आज ही आई हूँ और आने के बाद अभी जस्ट मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी अपने घर की और वॉशरूम क्लीन कर रही थी। तो इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, रात में सो नहीं पाई ढंग से, नहीं ढंग से नहीं सो पाई मैं। तो मुझे अभी इतनी नींद आ रही है, मुझे बस ऐसा लग रहा है मैं बेहोश होने वाली हूँ नींद की वजह से। बट मेरा अपॉइंटमेंट है हेयर कटिंग का, तो मैं और निशा हम लोग जा रहे हैं। मैंने उनको भी पूछा बिकॉज उनको भी, वो मुझे बोली थी कि उनको भी करवाना है उन्हीं से जिनसे मैं करवाती हूँ। वी रीच डेट निशास प्लेस और वो बस आ रही है और फिर हम लोग निकलेंगे बिकॉज आज विक्की गाड़ी लेके गया है, तो दैट्स वाई आई एम इन। हमारी सोसाइटी में बहुत ही प्यारी प्यारी लाइट्स जो हैं वो लग गई हैं और ये हमारी बिल्डिंग में ही लगा हुआ है एंड बहुत अच्छा लग रहा था। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ, सब हम लोग करा करके मतलब हेयर कट वगैरह करवा लिया है। और ये है मेरे बालों में, मैंने वो भी लगवाया है अगेन, जो शाइन वाली जो स्ट्रीक्स है ना मैंने वो भी लगवाई हुई है और निशा ने भी लगवाई है। और यस अब देखते हैं विक्की कब आता है। आज मुझे शाम को डिनर करने के लिए आंटी के यहाँ जाना है। एक्चुअली ना ये नेट नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ, मतलब मैं बहुत अजीब लग रहा है मुझे, सैड सा और बोरिंग सा लग रहा है। या तो मैं भोपाल में इतना ज़्यादा रह ली, वैसे मुझे मैं यहाँ रहती थी तब नहीं लग रहा था क्योंकि मैं काम करती रह रही थी, कुछ होता है नया। और हाँ, अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ ना स्टेट में, वहाँ पर एकदम पूरा स्टेट जो एकदम दुल्हन की तरह सज गया है, इतनी लाइटिंग्स वगैरह लग गई है, मतलब
आई थिंक टू ईयर, वैसे हर बार ही होता है बट शायद ये कोविड के बाद कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं हर चीज़, क्योंकि सबको या तो फेस्टिवल्स की वैल्यू पता चल गई है या हम लोगों को वो जो टू ईयर्स का एक झटका लगा था ना वो सब पता चल गया है, या तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न, शायद वही रीज़न लग रहा है मुझे। पर एक थाने में मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने शी हैज़ जस्ट रिसेंटली ओपन हर पार्लर, तो उन्होंने मुझे एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पर बुलाया था, बट अभी वो प्रोग्राम थोड़ा सा मेरा पोस्टपोन हो गया। मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब जाऊँगी, अभी क्या है एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई है और आई एम नॉट फीलिंग वेल एज वेल, फीलिंग इन द सेंस मीन्स मैं रात में सोई नहीं हूँ और सुबह से लेकर अभी तक मैं बस भाग ही भाग रही हूँ, तो मुझे ना बहुत अनईजी सा लग रहा है, मुझे बस रेस्ट करने का मन कर रहा है। और कल फिर हमको निकलना है, तो हमारी जो ट्रेन है वो हमारी जो ट्रेन है वो कल्याण से है, तो मुझे अब थाने से मुझे वो सोच सोच के और थकान लग रही है कि मुझे अब कल थाने से कल्याण जाना है पी कार्स में, क्योंकि अभी दिवाली का ना क्राउड बहुत ज़्यादा है, रोड्स पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। तो ये मैं आ गई हूँ आंटी के घर पे डिनर करने के लिए, और अब तो उनकी काफ़ी बिल्डिंग में काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, आपको याद होगा इनॉग्रेशन के टाइम पे मैं आई थी तब एकदम खाली और चल ही रहा था, मतलब काम चल रहा था, तो अभी भी ये लिफ्ट वगैरह ना ये लोग ऐसे ही रखेंगे, जब सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे तभी होगा। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस, लुक एट दिस, सो प्रिटी, मतलब सो प्रिटी। एंड वही आंटी ने हर बार की तरह उनका जो राजस्थानी टच है वो दिया हुआ है, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस, बहुत क्लासी लग रहा था ये। अभी तो बहुत कुछ रेडी होना बाकी है बट स्टिल इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी। एंड yes this is the main door, और जो बाकी का है ना वो I'll show you later, but हाँ ये मुझे glasses वगैरह जो लगाए हुए हैं ना ये बहुत सुंदर लग रहा था, तो अब चलिए चलते हैं अंदर। एंड ये chandelier लगाया हुआ है, को जो टोरिंग्स हैं वो बहुत पसंद आई हैं और आंटी को भी बहुत पसंद आई हैं, तो मुझे तो एक्स्ट्रा ऑर्डर मिल गए। कमीशन खाए निशा? ले लो कमीशन, ले ले ड्यूटी, थप्पड़ मार मार के मिली है। के घर आ गई हूँ मैं, एंड मतलब घुसते से वाव ऐसे कर रही थी मैं, क्योंकि बिल्कुल वही राजस्थानी पैटर्न, मतलब इंटीरियर डिजाइनर से हेल्प नहीं लिया, आंटी खुद कर रही हैं। अभी जो पूरा थीम हुआ है वो मॉडर्न है, इसमें अब हल्के हल्के जो टचेस दिए हैं ना ट्रेडिशनल के अमेजिंग है, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जितना मुझे दिख रहा है अमेजिंग है, मजा आ जाएगा जब मैं आप लोगों को उसका टूर दूंगी। सोफा आना बाकी है, सोफा डाइनिंग टेबल कर्टन ये सब आना भी बेसिक चीजें बाकी है, तो इवन विंडो देखो आप उनकी, इतनी अलग तरीके से उन्होंने वो सब लगवाया हुआ है, अमेजिंग है, जब मैं आपको टूर दूंगी ना तब आपको बताऊंगी। ये देखिए ये बाहर का लुक है, कितना सही लग रहा है। ये चेयर किसकी है भाई? सो टू सी। ये चेयर किसकी है? अच्छा हम बैठ जाते हैं। और देखो सुंदर आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आ गए हम लोग आंटी के घर से और ये हमारी बिल्डिंग का डेकोरेशन है, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे ये, थैंकफुली उन्होंने ऑन करके मुझे दिखा दिया क्योंकि उनको पता है हम इतने टाइम से यहाँ पे नहीं थे और हम कल चले जाएंगे। सो यस हाय गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे इन मुंबई और आज ही हम लोग निकलने वाले हैं। सो एक्चुअली पंगा और टेंशन की बात ये है कि हम लोगों की जो टिकट्स हैं, ऑब्वियसली अभी क्या है दिवाली आ रही है और दो साल बाद इस लेवल की सेलिब्रेशन है, कोविड वगैरह नहीं है, तो हर जगह भयंकर लेवल पे रश है, उनकी 8,000 की मिल रही है, अगर हमको तुरंत भी करना हो तो बहुत महंगा हो जाएगा, 16,000, उससे सस्ता हमको गाड़ी से जाना पड़ेगा। उसके बाद तीन हमने जो पंजाब मेल है वो ट्रेन की टिकट थर्ड एसी बुक करके रखा, हमारा 27 वेटिंग है जिसमें से एक नंबर भी नहीं हिला है, हम आज ही निकल जाएं रात में, जैसे तैसे भगवान का नाम लेंगे, हमारे पास वेटिंग का टिकट तो है, तो देखते हैं टीसी से बात करके कहीं एडजस्ट होके बैठ के बस निकल जाएं। अब विक्की मुझे बोल रहा है कार से चलते हैं, मैं बोल रही हूँ यार कार से भी हम दो हैं तो चलो चले जाएंगे, वहाँ ऑलरेडी दो कारें हैं, रखने की बाहर जगह है नहीं, उसके बाद फिर ये आएगा अकेले कार से वो फिर जमेगा नहीं, ना मुझे जमेगा ना घर वाले आने देंगे, तो वो एक रिस्क फैक्टर को मैं ध्यान में रख के मना कर रही हूँ कि भाई कार से नहीं चलेंगे, भली थोड़ा सा एडजस्ट करके चल देंगे, देखते हैं। तो विक्की तो बहुत बार ट्रैवल करा है पहले ऐसे, मतलब बैचलर था तो होता था ना भाई टिकट सही मिली है या वेटिंग में चल रहा है, तो विक्की बोलता है बहुत गंदा माहौल होता है और बहुत गंदी तरीके से ट्रेन भरी हुई रहती है तो परेशान हो जाओगी, तो मैं बोल रही हूँ नहीं चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो आज हम लोग निकलने वाले हैं, बस अब हमारा फाइनल हो गया कि हम निकलते ही हैं, और अपनी मेरी कुछ एक आध दो जो ज्वेलरीज है ना वो मैंने रख ली है दिवाली वगैरह पे पहनने के लिए, तो जो मैंने कल आपको बताया ना, हाँ निशा और आंटी को जो मैं टोरिंग्स लेकर के आई हूँ वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब मैं लेकर के गई थी सिर्फ 7,
तो निशा बोलती इतनी कम क्यों लेके आई, तो मैं और लेके आना चाहिए था, तो अब मैं और 20-25 उन लोगों के लिए लेकर के जाऊंगी, एंड क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो देने लेने के लिए भी हो जाएगी, और फिर एक्चुअली मैं मुंबई के रेट के हिसाब से तो वो बहुत अच्छे रेट में मिल गई थी। अभी मैंने अपना खाना ऑर्डर किया है तो मैं खाना खाती हूँ। एक्चुअली मैं बना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ, बट मैं बना इसलिए नहीं रही हूँ, एक तो मुझे प्याज लाने पड़ेंगे, आलू लाना पड़ेगा, कुछ तो लाना पड़ेगा, फिर वो बर्तन हो जाएंगे, मेरी आज मेड नहीं आ रही है, अभी मुझे बहुत सारा और काम के लिए निकलना है बाहर, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना बाहर से मंगवा लेती हूँ। तो मैं अरोमा बिथ्रो से मैंने सैंडविचेस मंगवाए हैं, वही खाती हूँ मैं। एंड एक और चीज़, हमारे जो सामने रहते हैं, मतलब हमारे जस्ट घर के सामने, फ्रॉम भोपाल, और वो हमारी फैमिली फ्रेंड है बहुत पुरानी, मतलब विक्की का जो बचपन है, वो विक्की टीनू ये लोग सब साथ में खेल के बड़े हुए हैं, तो उनको भी नहीं पता था कि हम लोग यहाँ पे घर ले रहे हैं, और हमको भी नहीं पता था कि वो यहाँ पर आ रही हैं। तो कल की हैं वो, तो भैया और उनको तो हम बहुत पहले से जानते थे, एंड कोइंसिडेंटली हम लोग हमारी सेम ही, मतलब सोचो सेम ही फ्लोर पे मिल गए हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। उनके साइड में जो दीदी रहती हैं, मतलब मैं सबको दीदी बोलती हूँ, एक्चुअली बड़ी हैं सब, तो और सब बहुत अच्छी हैं। उनके साइड में जो दीदी रहती हैं, शी इज़ फ्रॉम यूपी, एंड बहुत अच्छी नेचर की है, मतलब लिटरली बहुत अच्छी और बहुत हेल्पिंग नेचर की है, मतलब इन लोगों से मिलके ऐसा लगता है कि घर वाली फीलिंग है। उसके बाद मेरे जो साइड में दीदी रहती हैं, मतलब जस्ट हमारे घर के साइड में, एक्चुअली वो है तो एमपी की नहीं, बट वो इंदौर में बहुत साल रही हैं, तो उनके अंदर भी वो टच है। मेरे जस्ट ऊपर, मतलब हमारे जस्ट ऊपर जो हमारे रहते हैं नेबर्स, वो शी इज़ फ्रॉम छिंदवाड़ा की हैं। उनका एक घर छोड़ के जो ऊपर रहते हैं, दे आर अगेन फ्रॉम भोपाल। उसके बाद हाँ, कल मैं एक और अपनी सब्सक्राइबर से मिली, मतलब मैं आंटी के घर जा रही थी, तो मैंने लिफ्ट में, ऐसा होता ना, मैं चल करके लिफ्ट में गई हूँ, और जैसे मैं लिफ्ट में गई तो किसी ने हाथ रोका, तो मुझे लगा शायद उनको अंदर आना होगा इसलिए वो रुकी है। फिर वो बोलती आर यू रुचि फ्रॉम रुचि स्टाइल कॉर्नर, तो मैंने बोला येस आई एम रुचि, एंड बहुत अच्छा लगा। उनका नाम है अंकिता शर्मा, वो मुझे मिली, एंड उन्हीं आंटी के बिल्डिंग में ही वो 18th फ्लोर पे उन्होंने घर लिया हुआ है, और आंटी 2nd फ्लोर पे रहती है, तो इतना अच्छा लगा, मैंने नंबर एक्सचेंज किया। जब मैं मिलती हूँ ना, मतलब मुझे ये बहुत अच्छा, एक तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि हमारे आसपास बहुत सारे पहचान के लोग हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। आप जहाँ पे रहते हो ना, एक आपकी कम्युनिटी छोटी सी हो भले ही, बट आपका जान पहचान होना चाहिए। टाइम जब आ जाऊँगी मैं ना, अभी तो चलो ऐसी सिचुएशन चल रही, बट मैं आ जाऊँगी तो मेरा लिटरली ऐसे लिस्ट बनी हुई है कि मुझे कितने सारे लोगों से मिलना है, पेंडिंग है मेरा मिलना बहुत सारे लोगों से। फिर एक और मेरी सब्सक्राइबर है, शी हैज़ हर ओन बुटीक, तो वो मुझे टकराई थी जब मैं यहाँ रह शिफ्ट हो गई थी, तब की बात है, तो उनका ना बुटीक है, तो उन्होंने मेरे को बोल के रखा था कि करवा चौथ पे मैं आपके लिए कुछ डिज़ाइन करना चाहती हूँ, ऑल दैट ऐसे करके, तो करवा चौथ पे तो नहीं हो पाया कुछ, फिर उसके बाद अभी वो दिवाली पे मेरे लिए डिज़ाइन कर रही है, तो कल मैंने उनको भी कॉल किया, उन्होंने बोला था आप जब भी आओ मुझे बताना, जरूर अपन मिलेंगे। वो कोरियर करने वाली है, जब वो ड्रेस आ जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ में ब्लॉग में जरूर शेयर करूंगी। ये सारी चीजें मैंने एक सांस में बोल दी है, अब मैं थोड़ी देर में पहले खाती हूँ, और खाने के बाद फिर आप लोगों को अपडेट देती हूँ। अब थोड़ी देर में ना मैं निकलने वाली हूँ स्टेशन के लिए, तो उससे पहले मैं निकलूँ आपको अपने प्लांट्स की बताती हूँ, और मैं आपको ना एक चीज़ बताऊंगी, जैसे चलो अभी तो बारिश हो रही है शायद इसलिए मेरे प्लांट्स इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स में तो रीग्रोथ हो गई है वापस से, आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस, ये हमारा ना केले का पौधा है, मतलब ये जब हम प्रेजेंट थे हम छोटा सा लेके आए थे 3 पत्ती का, एंड दिस इज़ द ग्रोथ। ये हमारा कड़ी पत्ता है, और ये एक और नया कड़ी पत्ता आ गया है। उसके बाद ये है वो जो पर्पल कलर का होता है ना, बेल चलती है मेरे दिमाग से, अपराजिता, यस दिस इज़ द अपराजिता। फिर उसके बाद वो सारे मनी प्लांट हैं, अब देखो कुछ सूखे भी हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये सड़ भी गया है, मैं उधर जा भी नहीं रही हूँ, और नीचे हालत देखिए। ये वाला जो प्लांट है ना, मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ, हाँ तो ये वाला जो प्लांट है ना, ये भी पूरा सड़ गया था, बट अगेन उसमें रीग्रोथ होना, पत्ती आना स्टार्ट हो चुकी हैं। फिर ये वाला जो प्लांट है ना, ये रोज़ का, ये भी अगेन इसमें सब रीग्रोथ होना स्टार्ट हो गए हैं। ये थैंक यू सो मच, मतलब मैं तो अपने नेचर को भी थैंक यू बोलूँगी, यूनिवर्स को थैंक यू बोलूँगी कि वापस से सब रीग्रोथ हो रहे हैं, शायद बारिश का कमाल है। बट बारिश भी ना इधर तक आती है कि नहीं आती वो मुझे नहीं पता, मैंने तो देखी नहीं है, और टचवुड ये अच्छे से चल रहा है। फिर यहाँ पर भी जीजी प्लांट रखे हुए हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है, मतलब अगर ये हमारी लाइट्स, प्यारी प्यारी सी लाइट्स हैं, इस मैंने ना कर्टन लाइट इंटेंशनली नहीं लगाई थी, मेरे पास 2 कर्टन लाइट्स पड़ी हुई थी, बट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि हर दूसरे वीडियो में आप देखोगे, बैल्कनी वीडियो या किसी भी, मतलब मेकओवर भी कोई बनाता है ना, तो सब कर्टन लाइट्स ही लगाते हैं। एक्चुअली कर्टन लाइट्स लगती भी बहुत सुंदर है, अभी किसी और ने 10 लोगों ने कर्टन लाइट दिखा दी, अभी मैं भी 11वां मेकओवर बना के कर्टन लाइट ही दिखा दूंगी, तो फिर मतलब क्या रहेगा, सामने वाला क्या नया देखेगा मेरे वीडियो में। सो मेरा मेन पर्पस ये होता है, तो इसलिए मैंने ना
दिमाग लगा के इस बार ये लगाया था। मैंने दिवाली पर भी ना एक और बहुत अलग चीज करने का सोचा था बैल्कनी के लिए, बहुत ही यूनिक। मतलब ना तो मैंने अभी तक किसी भी फॉरेन यूट्यूबर्स को देखा है करते हुए, ना इंडियन यूट्यूबर ने तो खैर किया ही नहीं है वो। तो विक्की और हम दोनों का वो पूरा DIY करने का दिमाग था और उसको लगते बनाने में 2 से 3 दिन, हमारे पास पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो हमने सोचा था दिवाली मेकओवर में हम उसको ही रिप्रेजेंट करते या बनाते DIY करते, बट कोई नहीं, नेक्स्ट दिवाली में पक्का उसको बनाएंगे। तो कल मैं पता है एक और जहाँ पे आंटी के घर पे गई थी ना, निशा की मम्मी के घर पे, तो वहां पर उनके सामने एक और नेबर रहती है, तो वो भी हम लोगों के एज की इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो उनका भी घर, ओ माय गॉड, इतना प्रिटी घर था, इतना प्रिटी घर था। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी ना, तो एक तो आंटी के घर का होम टूर शेयर करूंगी और दूसरा वो सामने जो निधि रहती है ना, उनके घर का होम टूर 110%। आपको वो घर देख के तो आपको लिटरली मजा आ जाएगा। अब जब मैं निकलूंगी अभी विक्की मुझे कन्फर्म करेगा कि क्या स्टेटस है ट्रेन का भाई। ओके गाइज, आई एम ऑल रेडी, मेरा बैग रेडी हो चुका है और मैंने अपना जो ब्लैक वाला बैग है ना वो स्विच कर लिया है इस वाले बैग से। चलिए चलते हैं, मैंने जैकेट वैकेट पहन लिया है, भगवान का नाम लेते हैं और बस जगह मिल जाए यार, बैठने की जगह मिल जाए, मैं रात भर भली बैठे बैठे चली जाऊंगी। सो यस, लेट्स गो। अब मैं आपको मिलती हूँ मोबाइल कैम्प से डायरेक्टली। तो निकल गई हूँ मैं रेलवे स्टेशन के लिए, विक्की ऑफिस से डायरेक्टली वहाँ पहुँचेगा और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ कल्याण स्टेशन फाइनली। बहुत टाइम लगा मुझे और हमको ट्रेन में बैठने की जगह भी मिल गई थी, आराम से हम आ गए हैं और ये हम पहुँच गए हैं भोपाल। अगर वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।